वालेकुम दोस्तों, जैसा कि हम आज फिर से रानी बाग हैदराबाद में आए हुए हैं आज आपको दिखाने के लिए कि हैदराबाद रानी बाग में ये ज़ेबरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ज़ेबरा, जी ये ज़ेबरा है। जी ये ज़ेबरा है जो अभी खाना खा रहा है। ज़ेबरा नहायती खूबसूरत है, इसके जिस्म पे डिज़ाइन से आप देख सकते हैं। ये हाइट तो एक घोड़े जितनी होती है इसकी, अलबत्ता इसकी डिज़ाइन से ये बड़ा मुनफरद जानवर है। ये भी चारा खाता है, घास वगैरह। अभी रानी बाग में एक ही ज़ेबरा है जैसा कि आप देख सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ना बड़ा नज़दीक से आपको दिखाएं, पर बहुत दूर खड़ा हुआ है, इस वजह से इतना नज़दीक हम कैमरा को लेकर नहीं जा पा रहे। ज़ेबरा हम कोशिश करें कि आपको ज़ेबरा के नज़दीक ले जाए और ज़ेबरा दिखाएं कि ज़ेबरा तो वैसे तो ये घोड़े जितनी हाइट होती है इनकी, और दिखने में भी मुनफरद होता है। इसके जिस्म पे जो डिज़ाइन बनी हुई है इसी डिज़ाइन से हम इसे पहचान सकते हैं कि ये ज़ेबरा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको नज़दीक से ज़ेबरा को दिखा पाऊँ। जी ये ज़ेबरा अभी आ रहा है। ये ज़ेबरा देखें घूमता हुआ आ रहा है। ज़ेबरा जी फैमिली बच्चे बहुत पसंद करते हैं ज़ेबरा को। जी देख सकते हैं ये ज़ेबरा, ये रानी बाग में है। इसकी आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन, सफ़ेद और काले निशानात हैं जिसकी डिज़ाइनिंग बनी हुई है। देखें ये पाकिस्तान के एक शहर हैदराबाद में रानी बाग में से रखा गया है, और जो है ये देखें ये घास खा रहा है। जी फ्रेंड्स देखते जाएं, इसके मुनफरद डिज़ाइन से बहुत ही मशहूर है, बच्चे बूढ़े सब इसे पसंद करते हैं देखने के लिए। इसकी आंखें देखें, इसके कान देखें, इसके चार टांगे हैं, और इसके बाल देखें डिज़ाइन के साथ। इसकी हाइट गधे या घोड़े जितनी होती है, कोई छोटे भी होते हैं कोई बड़े भी होते हैं। ये खाना खाने में मसरूफ है।
और ये इसका पिंजरा बना हुआ है जिसमें ये आज़ादी के साथ घूम फिर सकता है। और ये जा रहा है अपने रिहाइश की जगह जहाँ रात को ठंड की वजह से अंदर ही सोते हैं ये। जी दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये इसका पिंजरा है जिसमें इसको रखा गया है। और जो है ये फिलहाल अकेला है यहाँ पे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।